सो हे व्यूअर, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेलिंग के ऊपर है कि किस तरीके से आप रेविट के अंदर एडवांस डिटेल कर सकते हैं। सो जो टॉपिक है आज का वो है डोर विंडो टैग्स एंड देन रूम टैग को मैं बेसिक लेवल पे समझाऊंगा जिससे कि आप रिलेट कर पाए कि रूम टैग कैसे लगता है। देन डोर विंडो की हम फैमिलीज के बारे में भी बात करेंगे, फैमिलीज आप किस तरीके से बना सकते हैं किसी भी एनोटेटिव पार्ट की, किस तरीके से आप जो W1 लिखा आ रहा है W2 लिखा आ रहा है इसका बाहर का जो सिंबल है वो चेंज करेंगे, कैसे आप इसके टेक्स्ट के अलाइनमेंट चेंज करते हैं, कैसे आप टेक्स्ट की हाइट चेंज करते हैं। इसके अलावा ये जो W2 लिखा हुआ है वो किस बिहाफ पे आता है, हमारा डिस्क्रिप्शन पे आता है, टाइप मार्क पे आता है, मार्क के थ्रू आता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है तब हमें ये W2 दिखता है। काफ़ी बार जब आप टैग लगाते हैं, जिन्होंने बेसिक किया है टैग लगाते हैं तो आपको दिखता नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो उस चीज़ की बात मैं फैमिली के अंदर करूँगा क्योंकि हम फैमिली बनाना भी आज सीखेंगे हमारे डोर विंडो टैग के अंदर रेविट के अंदर एडवांस डिटेल के साथ। एंड जब एडवांस डिटेल की बात हो रही है तो यहाँ पर हम स्केड्यूलिंग भी करेंगे कि किस तरीके से आप डोर विंडोज़ को असाइन कर सकते हैं, एक टेबल में आप प्लेस करवा सकते हैं, स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, जो भी डोर विंडो के साइजेज हैं, डिस्क्रिप्शन है, सबको हम प्रॉपर वर्क करवा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम प्रॉपर डोर का भी समझेंगे कि टैग कैसे बनता है, विंडोज़ के बारे में समझेंगे टैग कैसे बनता है, एंड देन दिस वन रूम टैग को भी मैं बेसिक लेवल पे आपको बनाकर दिखाऊंगा, वो भी एक फ्रेश प्लान पे। साथ ही में जैसे आप ये डायमेंशन देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं सेटिंग आउट, या तो अपने ग्रिड्स लगाए हो या फिर आपका कोई भी एक फिक्स पॉइंट हो जहां से हम विंडो की लोकेशन फिक्स कर देते हैं। सो जो मैशन होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, उनको इश्यू नहीं आता, विंडो हमारी परफेक्ट प्लेस पे लगती है, तो उसी को पूरा डिटेल में आज समझने वाले हैं। यहाँ पर हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। हमने एक बेसिक प्लान जनरेट किया यहाँ पर हमारे पास। अगर आप रूम टैगिंग चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं रूम टैग एंड देन यहाँ से करते हैं प्लेस सिंपली। यहाँ से मैंने किया यस, और जितने भी मेरे पास टैग है मेरी फैमिली में मैं वहां जाता हूँ एंड देन यहाँ से यहाँ पर मेरे पास रूम टैग है ओपन। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं आपके टैगिंग स्टार्ट हो जाता है, आर्किटेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है मेरा रूम लगाने का तरीका। इसी के टैग की अगर हम बात करें तो टैग रूम होता है रूम 1, रूम 2, रूम 3, इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। अगर इस चीज़ को आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कैसे इसकी फैमिली बनती है, कैसे कलरफुल लेजेंडो बनते हैं, तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से भी जुड़ सकते हैं। बैच अभी ऑनगोइंग है, लाइव सेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में टेक्निकल सपोर्ट रहेगा, वीडियोस आपको लाइफ टाइम प्रोवाइड किए जाते हैं, देन आपको सर्टिफिकेशन जो है वो ऑटोडेस्क सर्टिफाइड होता है जो वर्ल्ड वाइड प्रॉपर वैलिड रहेगा हर जगह। बट यहाँ पर जो मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ वो है हमारे विंडो एंड डोर की डिटेल्स। सो यहाँ पर जब भी आप विंडोज सेलेक्ट करते हैं या लगाते हैं आपके प्लान में तो विंडोज का एक नाम होता है। यहाँ पे हमने सभी विंडो को सेलेक्ट किया। ये जो मेरा विंडो है, यहाँ मेरा किचन का विंडो है, ये मेरे W1 है, यहाँ पर मैंने किया नाम एडिट टाइप W1 आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने किया यहाँ पे W2 क्योंकि विंडो के सिल का लेवल अलग हो सकता है आपके किचन की कंडीशन में। यहाँ पे हमने इस तरीके से ये किया। देन डोर की बात आती है तो एक डोर को सिलेक्ट किया, तो ये चार जो डोर है वो एक तरह के हैं, यहाँ पर जो डोर आ रहा है वो अलग है, यहाँ पर जो डोर आ रहा है वो अलग है, ये हमारा D3 है, ये D2 है, तो इनकी टैगिंग हम करेंगे। एनोटेशन के अंदर आपके पास होता है यहाँ पे टैग बाय कैटेगरी। जैसे ही आप टैग किसी भी डोर को या किसी भी टैग को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसपे टैग लगाना है, तो दिखाता है देयर इज नो टैग लोडेड फॉर डोर, डू यू वॉन्ट टू लोड। अगर आप लोड करवाना चाहते हैं तो आप लोड करवा सकते हैं, जैसे हमने रूम टैग का फैमिली अभी लोड करवाया, बट मैं चाहता हूं कि मेरा एक नया फैमिली क्रिएट हो सिंपली। सो उसे कैसे हम जनरेट करते हैं, तो यहां पर मैं आपको फैमिली लोड करके बताता हूं डोर के लिए, देन विंडो का हम फैमिली बनाएंगे, और विंडो का फैमिली, डोर का फैमिली, रूम टैग का फैमिली, हर एक फैमिली एक ही तरीके से बनाए जाते हैं। सो एनोटेशन टैग क्लिक कीजिए, यहाँ पर विंडो का फैमिली हमारे पास आ गया, डोर का आपको बनाना है तो यहाँ पे आप कीजिए यस, विंडो पे क्लिक किया हमने, आर्किटेक्चर, और यहाँ आपको मिल जाएगा विंडो टैग एंड देन ओपन। सो बाय डिफॉल्ट जो विंडो टैग है यहाँ से आप लीडर को लगा भी सकते हैं, ऑफ अगर लीडर कर देंगे तो विंडो सेलेक्ट करते जाइए आपके इस तरीके से प्लेस हो जाएंगे। 19, ये 19 आ रहा है, ये भी 19 है, क्योंकि इन विंडो की प्रॉपर्टीज के अंदर 19 लिखा हुआ है तब ये 19 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 आ रहा है क्योंकि ये विंडो अलग टाइप का है। अब ये 20 क्यों आ रहा है, 19 क्यों आ रहा है, इस चीज को डिफाइन करने में जा रहा हूँ।
जैसे ही आप किसी विंडो को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इस फैमिली के अंदर ये जो फैमिली बना हुआ है, इसकी फैमिली के अंदर जो 20 लिखा हुआ है वो क्या पार्ट है, विंडो का नाम है, विंडो का डिस्क्रिप्शन है, विंडो का टाइप है, विंडो का टाइप मार्क है। तो आप यहाँ से फैमिली को सिलेक्ट कीजिए, एडिट फैमिली पे जाइए। एडिट फैमिली पे जाने के बाद जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, यहाँ पे आता है एडिट लेबल। एडिट लेबल में जाते ही आपको पता चल जाएगा ये है टाइप मार्क। टाइप मार्क के अंदर ये चीज आप चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे पता चल गया टाइप मार्क के अंदर जैसे ही मैं डोर की प्रॉपर्टी में डालूंगा हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ से करता हूँ लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड देन कौन सी बिल्डिंग में जाना है मुझे, डोर विंडो फैमिलीज वाले में। तो यहाँ पर आप विंडो को सिलेक्ट कीजिए, एडिट टाइप पे जाइए और देखिए टाइप मार्क कहाँ है। तो आप बॉटम में जब आएंगे आइडेंटिटी डेटा में, यहाँ मिलेगा टाइप मार्क, ये मेरा है क्या W2। अप्लाई, ओके, ऑटोमेटिकली W2 बन जाएगा। अब ये सभी विंडो है इनका टाइप मार्क, एडिट टाइप पे जाइए। जरूरी नहीं है हर जगह टाइप मार्क हो, डोर के लिए टाइप हो सकता है, मार्क हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है। अभी जब हम फैमिली बनाएंगे तो मैं अलग अलग वे में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हमने किया इसको W1, ओके। तो आप देखेंगे एक साथ सभी टैग आपके अप्लाई हो गए W1 में। अगर लीडर आप ऑफ करना चाहते हैं तो लीडर आप ऑफ कर सकते हैं, इसे ट्रैक भी कर सकते हैं। ये होता है प्रैक्टिकली बिम का तरीका, जो बिम में एडवांस हमें लेकर जाता है, इस तरीके से हम टैगिंग करते हैं। अब बात आती है फैमिली किस तरीके से बनाते हैं। करने को हम यहाँ से लोड करते हैं और ये फैमिली बेसिक है जो हमें मिल जाती है। जैसे मैं लोड कर रहा हूँ तो डोर के लिए यहाँ से कोई फैमिली नहीं आया, मैं चाहता हूँ एक फैमिली बनाना। सो किसी भी तरह का 2D एनोटेटिव फैमिली हो किस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ से फाइल, न्यू फैमिली पे आपको जाना है। फैमिली में जाने के बाद आपके पास फोल्डर रहेगा इंग्लिश आई, वहाँ पर आप जाइए जहाँ भी आपकी लाइब्रेरी है। तो यहाँ लाइब्रेरी पे आ गए, फोल्डर पे जाइए इंग्लिश इंपीरियल। यहाँ आप देखिए आपको मिलेगा एनोटेशन, क्या बनाना है आपको, विंडो टैग, डोर टैग, जो भी टैग बनाना है। डोर टैग मुझे बनाना है, देन ओपन। जैसे ही आप ओपन करते हैं यहाँ पर आपके पास एक रेफरेंस लाइन आती है और आपको यूज करना है लेबल। अगर आप टेक्स्ट यूज कर लेते हैं तो उसे आप बाद में प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं कर सकते। तो यहां से मैं करता हूं लेबल यूज, क्लिक। लेबल करने के बाद आप क्या चाहते हैं कि आपकी डोर की कौन सी प्रॉपर्टी आपको टैग के अंदर दिखे, कोस्ट दिखे, डिस्क्रिप्शन दिखे, फैमिली फिनिश, मार्क, टाइप मार्क, जो भी आप चाहते हैं। तो यहां से मैं कर देता हूं मार्क मुझे दिखे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन या फैमिली नेम, जो भी आप चाहते हैं वो सब मुझे दिखे। तो मैं डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, यहाँ से सैंपल वैल्यू के अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पर 00। सैंपल वैल्यू के अंदर मैंने किया 00। अप्लाई, ओके। सिर्फ इतना आपको करना है, जो आपका 00 आ गया उसका टेक्स्ट लीजिए, सेंटर में प्लेस कर दीजिए। यहाँ पर टेक्स्ट की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, एडिट टाइप, ट्रांसपेरेंट कर दीजिए उसे ताकि कुछ भी उसके नीचे आए तो वो हमें विजिबल रहे, या ओपेक करना चाहते हो ओपेक। यहाँ से मैंने कर दिया 2mm टेक्स्ट, 2mm, अप्लाई, ओके। तो ये टेक्स्ट का साइज हो गया, रैप हो जाएगा। एंड देन इसके बाद इसमें सिंबल कौन सा रहे, सर्कल के अंदर दिखे, रेक्टेंगल के, तो यहाँ से क्रिएट आपको लेना है, लाइन आपको लेना है। मैं चाहता हूँ मेरा जो भी टैग रहे ना वो मुझे रेक्टेंगल के अंदर दिखे, ठीक है। यहाँ से मैं करता हूँ सेव, कंट्रोल एस, डेस्कटॉप, डोर टैग फैमिली, ऑप्शन में जाइए, वन कर दीजिए, ओके। तो डोर टैग फैमिली मैंने यहाँ सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे सेव। अब डायरेक्ट भी इसे लोड इनटू प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड देन डन। अब जैसे ही आप डोर पे जाएंगे आपके पास सिंबल तो आ जाएंगे बट ये क्वेश्चन मार्क दिखाएगा हमें, क्योंकि अभी तक इसका कोई नेम हमने डिफाइन किया नहीं है। सो आप डोर को सिलेक्ट कीजिए। अब कहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, यहाँ कहीं डिस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको, नहीं है। एडिट टाइप पे जाइए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाइए, ये है डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ D1। अप्लाई, तो जितने भी डोर D1 होंगे वो सभी यहाँ पर दिखने लगेंगे आपको, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये डोर क्या है, हमारा मेन डोर है ये। तो एडिट टाइप, फिर से डिस्क्रिप्शन में जाइए। अब देखिए टाइप मार्क में चाहे कुछ भी रहे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी फैमिली डिस्क्रिप्शन के लिए बनाया है। मैंने किया MD मेन डोर, अप्लाई, ओके, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर आप डायरेक्ट टैग के अंदर भी डाल सकते हैं जो वैल्यू है, इस डोर का नाम क्या है D3, तो आप टैग के अंदर भी D3 डाल सकते हैं, जो इससे असाइन रहेगा वो यहाँ पे विजिबल रहेगा। यहाँ पर क्या है इसका नाम D2, यहाँ पर D2 पुट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप फैमिली में फिर से चेंज करना चाहते हैं, जैसे बॉक्स का साइज या एडजस्ट करना है, एडिट फैमिली पे जाइए, यहाँ से आपको साइजेस बढ़ाने हैं, टेक्स्ट का हाइट बढ़ाना है, ओके,
2.5 mm, अप्लाई, ओके। तो ये सब आप कर सकते हैं। फिर से कीजिए लोड इन टू प्रोजेक्ट, सेव करना चाहते हैं ये सेव हो जाएगा, एंड देन लोड इन टू प्रोजेक्ट। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जो फैमिली हम यूज़ कर रहे हैं ओवरराइड, तो ये साइज़ आपका बढ़ गया, D1 हो गया। अगर आप अभी भी चाहते हैं कि जो D1 हमने लिखा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ डोर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ डोर की जो वैल्यू है ना वो मार्क के अंदर जो मैं लिखूँ वो आए, तो मार्क के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिए इसे D बना देता हूँ, मैं डुप्लीकेट करके D बना देता हूँ, सेलेक्ट, ओके, एडिट टाइप डुप्लीकेट, इस डोर को मैंने बना दिया D, ओनली D। और यहाँ पर अभी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर सेम ही चीज़ लिखी हुई है, ओके, ठीक है, कुछ नहीं आएगा। बट अब मैं चाहता हूँ इसकी फैमिली के अंदर जो भी चीज़ मैं लिखूँ यहाँ पर मार्क के अंदर वो आए, तो फैमिली वाले पार्ट को सेलेक्ट कीजिए, टैग को, एडिट फैमिली, और यहाँ पर सेलेक्ट करके एडिट लेबल करके इसे कर दीजिए बैक, एंड देन आप डाल दीजिए इसके अंदर मार्क, अप्लाई, ओके। तो जो भी मार्क की वैल्यू रहेगी वो आपको वहां पर दिखेगी, ओवरराइड। अब मार्क के अंदर जो भी डाला हुआ है, इस डोर के मार्क में क्या डाला हुआ है वैल्यू वेरी कर रहा है, तो यहां से मैं डाल देता हूँ D, मैंने नाम इसका क्या D, तो ऑटोमेटिकली ये सारे डोर D हो जाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन में चाहे कुछ भी आप डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने यहाँ पे डाल दिया D1, अप्लाई, ओके, आपकी डिस्क्रिप्शन से अब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ऐसे विंडो की फैमिली में भी आप चेंज कर सकते हो, विंडो के नए टैग बना सकते हो। आप चाहते हैं विंडो के भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में आए तो सेलेक्ट कीजिए, एडिट टाइप कीजिए, लेबल को सेलेक्ट कीजिए, एडिट टाइप, 3 mm टेक्स्ट आ रहा है इसे कर दीजिए 2.5 mm, अप्लाई, ओके। और जो बाहर आपकी बाउंड्रीज आ रही है उसे आप रेक्टेंगुलर बना दीजिए, क्रिएट पे जाइए, लाइन लीजिए, और यहाँ से इसे भी बना दीजिए, इस तरीके से आपके सिंबल रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर आ जाएगा। लोड इनटू प्रोजेक्ट, डन, ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वर्जन एंड इट्स पैरामीटर, तो आप देखेंगे ये भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में आ चुका है। सो इस तरीके से आप फैमिली बना सकते हैं, डिटेल में आप कर सकते हैं। देन सेटिंग आउट क्या होता है, ग्रिड से या फिर वॉल के फेस से आपके विंडो कितनी दूरी पे आ रहा है इसे बोलते हैं हम सेटिंग आउट। ये हमेशा हमें प्रोवाइड करनी होती है जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर आपने ग्रिड्स लगाया तो उसके अंदर वेरीफाई हो जाता है प्रॉपर, अदरवाइज आपको टेंटेटिव ये डेटा प्रोवाइड करना होता है, तभी आप फिक्स पोजिशन पे डोर विंडोज लगा सकते हैं। इसी तरह की अगर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि इसी तरह की फ्यूचर में भी आपको वीडियोज मिलती रहे। अब यहाँ पर हम करते हैं इसका स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग का मतलब है डोर विंडो शेड्यूल हम करेंगे कि कितने डोर कितने विंडोज हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज हुए हैं, तो उसकी क्वांटिटीज हम निकालेंगे, देन कॉस्ट निकालेंगे। सो आप किसी भी डोर को सिलेक्ट कीजिए, ये चार तरह के डोर हमने सेलेक्ट किए, देन आपको कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करनी है जो स्केड्यूलिंग में दिखेगा। सो एडिट टाइप, यहाँ पर हम कॉस्ट डाल देते हैं, मेरा डोर जो है उसका कॉस्ट क्या आ रहा है यहाँ पर 2500 मैंने कॉस्ट डाला। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यहाँ पे डालते हैं वुडन डोर, ठीक है, वुडन फ्लश डोर आप डाल सकते हैं, वुडन डोर की आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। देन मैन्युफैक्चरर कौन है, मैंने यहाँ पे डाला प्लाईवुड। सो जितने भी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे पुट करेंगे, जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ डालेंगे वो सब आपको आपकी स्केड्यूलिंग में दिखेगी, कॉस्टिंग वगैरह में दिखेगी। सो अप्लाई, ओके। अभी मैं इनके साइजेस चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हम डोर के नेमिंग कर देते हैं ओनली। सो यहाँ से ये डोर क्या आएगा, सेलेक्ट, जो नहीं किए थे मार्क, ये है मेरा D2, डन। देन दिस वन इज मार्क D3, एंड देन दिस इज MD, मेन डोर। तो मार्क में अब चेंज हो रहा है। सो मैंने फैमिलीज भी आपको समझाया कैसे बनती है। अब यहाँ पर स्केड्यूलिंग हम करने वाले हैं डोर एंड विंडोज का, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे, आपको व्यू टैब पे जाना है, यहाँ पे होता है स्केड्यूलिंग, स्केड्यूल पे जाइए और यहाँ पे कीजिए डोर एंड विंडो, पहले डोर का कर दीजिए, डोर का करने के बाद ओके। अब डोर के अंदर आप क्या क्या वैल्यू चाहते हैं जो आपको दिखे, सो यहाँ से सबसे पहले मुझे कॉस्ट, बाद में हम इन्हें अप डाउन कर सकते हैं, मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए किसका ये बना है। यहाँ पर मेरे पास विड्थ हो गया मेरे डोर का, थिकनेस आप डाल सकते हैं, रफ विड्थ कितना है, रफ हाइट कितना है जो परफेक्ट रहेगा, सिल हमारा जीरो होता है डोर का ऑलवेज। यहाँ से काउंट हम पुट कर देते हैं कितने काउंट है, एंड देन मार्क, जहाँ से हमें डोर का नाम पता चलेगा, मार्क में हम जाते हैं और वो पुट कर देते हैं मार्क, ये है किस लेवल पे आ रहा है, लेवल भी पुट करना चाहते हैं तो डन। सो मार्क को आप सबसे अप कर दीजिए, स्केड्यूलिंग भी एडवांस में हम ये कर रहे हैं, इसे कर दीजिए आप अप। देन उसके बाद मेरा आए डिस्क्रिप्शन, उसके बाद मेरा कॉस्ट सबसे डाउन में रहे। अगर किसी फील्ड को आप ऑफ करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, इसे हटा दीजिए।
सो कोस्ट रफ विड्थ विड्थ हाइट भी हमारा रह गया, तो हम हाइट और ले लेते हैं। हमारे बेसिक हाइट हमें चाहिए h हाइट, ठीक है। रफ हाइट और रफ विड्थ हमारे पास आ चुका है, हाइट और विड्थ एक साथ, रफ हाइट विड्थ एक साथ। सो ये फ्रेम के साथ रहेगा, ये पैनल का रहेगा। तो मार्क हमारे पास हो गया, काउंट हमारा ऊपर, आपको कितने काउंट चाहिए कि आपका काउंट कितने हैं, कितने तरह के डोर आ रहे हैं। सो डोर के लिए हमने ये कर दिया एंड देन डन। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास स्केड्यूल आ गया। जो फील्ड आपकी क्लोज है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है उसे आप डिलीट कर दीजिए, रफ विड्थ को भी डिलीट कर दीजिए, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब हमने D3 का कोस्ट प्रोवाइड नहीं किया, तो D3 का कोस्ट अगर आप 3D में जाके D3 का कोस्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेवल 1 में जाके D3 का कोस्ट प्रोवाइड करते हैं, ऐड कोस्ट क्या है मेरे D3 का, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसका 2100 अप्लाई, ओके। तो जैसे ही आप स्केड्यूल पे जाएंगे ना, वहाँ पे आपका 2100 आ चुका है। अब मेन डोर आपका 4000 का बना है, तो आप यहाँ अगर पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज के साथ भी। D2 का प्राइस जो था वो था मेरा 3400, तो ये भी क्या है आपका असाइन हो जाएगा आपके मेन डोर के साथ, क्योंकि D2 के अंदर हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं डाली। आप जाइए यहाँ पे D2 चेक कीजिए, ये है D2। यहाँ पर एडिट टाइप में जब आप जाओगे कोस्ट में, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे डिफाइन कर देगा कि कोस्ट क्या आ गया 3400, और ये हमने पुट नहीं किया था। तो जो स्केड्यूलिंग है वो भी डायरेक्ट हमारा वर्क करता है हमारी शीट के साथ, हमारे फोल्डर्स के साथ, क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी पे काम करता है। अब डी 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 चार तरह के डी है बट अलग अलग दिखा रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ से जाते हैं शॉर्टिंग में और यहाँ कर देते हैं आइटमाइज एवरी इंस्टेंट। तो ये 7 दिखा रहा है टोटल, मुझे करना है मार्क के अकॉर्डिंग। फील्ड पे जाइए, यहाँ से आप कर दीजिए मार्क असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो आप देखेंगे डी सबसे पहले आ रहा है, 4 यूनिट है, D2 आपका आ रहा है 1 यूनिट है, T3 आ रहा है 1 एंड MD1। तो ये पूरा टेबल जनरेट होके आ गया। अब इस टेबल को आपको प्लान के साथ लगाना है या शीट में लगाना है, आप लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही विंडो का और करते हैं हम, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन में जो पुट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 3D पे जाते हैं या फिर प्लान में ही जाते हैं, यहाँ से लेते हैं विंडो डिस्क्रिप्शन व्यू स्केड्यूल, ओके। यहाँ से लीजिए विंडो का स्केड्यूल करना है मुझे विंडो, ओके। कोस्ट जिस भी विंडो में आप पुट करेंगे वो सब दिखेगा आपको, मुझे चाहिए कोस्ट, काउंट, डिस्क्रिप्शन या फिर हाइट रफ विड्थ मुझे चाहिए, देन डन। कोस्ट में डाउन कर देता हूँ और मार्क, टाइप मार्क हमारा यूज होता है यहाँ पे, टाइप मार्क को हम करते हैं अब एंड देन इसे कर देते हैं आप। तो ये चीजें हमने कर दी, काउंट को मैं डाउन ले आता हूँ, नंबर ऑफ कोस्ट हमारा यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए या फिर आपको चाहिए तो आप ओके करेंगे। अब ये यहाँ पर हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है, रफ विड्थ रफ हाइट ये भी नहीं है हमारे पास, सेलेक्ट डिलीट। अगर आपको फिर से कोई फील्ड ऐड करनी पड़े तो फील्ड पे जाइए और यहाँ से डालिए हाइट, ओके। यहाँ से डालिए सिल हाइट, ठीक है। यहाँ से डालिए विड्थ, तो हर एक चीज आपकी वर्क करेगी, बस आपको करवाना आना चाहिए कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया एंड देन ओके। तो लेंथ विड्थ हाइट आपके आगे सभी चीजें। अब आपका कोस्ट नहीं आ रहा है और डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है। कोस्ट और डिस्क्रिप्शन को कैसे करेंगे हम, यहाँ से जहाँ भी आपकी फैमिलीज हैं, विंडो को सिलेक्ट किया हमने, ये मेरा विंडो है, एडिट टाइप, इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं UPVC, UPVC विंडो। कोस्ट हमारा क्या है यहाँ पे 3500, ये मेरा किसके लिए, W1 के लिए अप्लाई, ओके, ठीक है। देन किचन जो विंडो आ रहा है SA एडिट टाइप, यहाँ पर कोस्ट क्या है, ये भी मेरा UPVC है, UPVC 1 के नाम से मैंने किया एंड देन कोस्ट है इसका 3000। तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ओके। अब आप स्केड्यूल पे जाइए, वहां पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है UPVC 3500 कोस्ट। अब चाहते W1 जितने भी आ रहे हैं तो वहाँ एक टेबल में दिखने चाहिए, तो कैसे दिखेंगे वो आपको, यहाँ पर आप जाइए सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में, यहाँ से आप कर दीजिए टाइप मार्क, देन यहाँ से कर दीजिए आइटमाइज एवरी इंस्टेंट। तो यहाँ पर जो 3023 एक विंडो और लगा हुआ है वो हमने नहीं चेक किया, तो कोई इशू नहीं है। बट W1 हमारे कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 6 यूनिट आ रहे हैं, W2 मेरा कितना आ रहा है, 1 यूनिट। इनका प्राइस ये है, टोटल अगर आप इनका करना चाहते हो 6 × 3500, तो इसे टोटल भी आप कर सकते हो। कैसे करेंगे, यहाँ से फॉर्मेटिंग पे जाइए, यहाँ से हमें क्या करना है, हमें फॉर्मेट को, कोस्ट को कैलकुलेट करना है, तो कोस्ट को सिलेक्ट किया हमने फॉर्मेटिंग में, यहाँ से कीजिए कैलकुलेट टोटल और सॉर्टिंग में आके यहाँ कर दीजिए ग्रैंड टोटल,
ओके, तो यहाँ पर टोटल जो विंडोज रहेगी वो इस प्राइस में आपके पास आ जाएगी हर हाल में, ठीक है। टोटल इसका हो गया 21,000 की, तो हमारी A6 विंडो आएगी और 3,000 की एक विंडो है। सो इसको आप बहुत डिटेल में कर सकते हैं, इस चीज को बहुत डिटेल में अगर सीखना भी चाहते हैं तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। अब इन्हीं चीजों को मैं शीट में और आपको बेसिक तरीके से लगा के बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर कोई शीट नहीं है तो हम लोड करवा देते हैं फैमिली से। लोड करवाने का तरीका हर जगह सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे टाइटल ब्लॉक के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा, यहाँ से मैंने लिया A1, ओके एंड देन ओके, ये शीट आ गया। सबसे पहले आप लेवल, ग्राउंड लेवल जो था उसे ले आइए, देन इसी के साथ मुझे डोर विंडोज भी प्लेस करने हैं। सो स्केड्यूलिंग का आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर यहाँ मिल जाएगा। पहले डोर स्केड्यूल प्लेस कर दीजिए, अगर कहीं पे कोई एरर आ रहा है और ये कंबाइन नहीं हो पा रहा तो आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। तो एक पॉइंट, देन विंडो स्केड्यूल करना है आपको, विंडो शेड्यूल, तो ये आप यहाँ पर इजी वे में कर पाएंगे। या आपको मेंटेन करना है, बराबर दिखाना है तो आप बराबर भी दिखा सकते हैं। सो बहुत डिटेल में आप ये चीज़ें कर सकते हैं, किसी तरह का इशू नहीं आता है अगर आप पूरा टाइम देके प्रैक्टिस करते हैं। फिर भी आपको इशू आ रहा है, कहीं से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल पर बेसिक इंस्टीट्यूट की तरह नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको प्रोफेशनल की तरह पढ़ाया जाएगा। जो इंडस्ट्री में वर्क होता है उन चीज़ों पे प्रोजेक्ट करवाए जाएंगे, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें आपको सिखाई जाती है। ऑलमोस्ट 40 क्लासेस हमारी रैबिट के अंदर होती है। सो एडवांस लेवल का आपको बिम के अंदर पूरा एक्सपर्ट बनाया जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं उस कंडीशन में, आपके जो रिजल्ट है वो बहुत बेटर आते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी अनदर कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो, सो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम डिटेल में वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।